नमस्कार। अच्छा, आंख बंद करके अक्सर हम ध्यान करते हैं, अपनी दृष्टि को एकाग्र करके और उसे रोकने का प्रयास करते हैं ताकि हम अंतर्मन से उन चीज़ों को देख सकें जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। जी हां, तो एक कुछ ऐसा ही अनुभव मैं आज जो बात करने जा रहा हूं आपसे, वो है दृष्टि दिव्यांग जनों के बारे में। और क्या आपने सोचा है कि दृष्टि दिव्यांग जन किस तरह से चीज़ों का आनंद लेते हैं और कैसे खेलते हैं? अच्छा, फुटबॉल आप सब जानते हैं, है ना? फुटबॉल बहुत नाम सुने होंगे आपने, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैसी, रिबाल्डो, सबको देखा है। सब बॉल को देखते हैं, फिर मारते हैं, फिर किक करते हैं, पास देते हैं तो देखते हैं उस एक्यूरेसी के लिए उनका साथी कहाँ पर है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जो दृष्टि दिव्यांग जन है, यानी कि जो टोटली ब्लाइंड हैं, जो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनकी साइट नहीं है, वो कैसे खेलते होंगे फुटबॉल? कई लोग जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ या कुछ यूँ ही बात कर रहा हूँ आपसे। जी हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो, अगर ब्राउज करेंगे तो आपको मिलेगा ब्लाइंड फुटबॉल और फाइव ए साइड ब्लाइंड फुटबॉल डाल के देखे कभी। थोड़ा सा आपको ब्लाइंड फुटबॉल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ब्लाइंड फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत थ्रिल है, मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें, है ना? जो गोलकीपर होता है वो साइटेड है, पांच की टीम होती है, फाइव प्लेयर्स, इसीलिए बोला कि फाइव ए साइड। तो पांच प्लेयर्स होते हैं जिसमें चार टोटली ब्लाइंड होते हैं, जिनका ब्लाइंड फोल्ड लगा होता है, पहले आई पैचिंग होती है, फिर ब्लाइंड फोल्ड लगा होता है और उसके बाद में वो खेलते हैं, चार प्लेयर जो खेलते हैं फील्ड में। और एक जो गोलकीपर होता है वो साइटेड होता है, यानी कि हमारी तरह फुल उसका जो 6x6 होता है ना, वो खेलता है और उसको एक टोटली ब्लाइंड जाके गोल मारता है। लग रहा है ना थोड़ा अलग सा है? और वो कैसे इमेजिन करता होगा गोल, एक इमेज बनाता है किसकी? गोल पोस्ट की। गोल पोस्ट जो है वहाँ पर, और देखा जाए तो गोल पोस्ट छोटा है, क्योंकि गोलकीपर जो है यहाँ पर किक नहीं कर सकता, वो सिर्फ रोक सकता है, कभी कभी पैरों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी एक डिफाइंड एरिया होती है 2 मीटर्स की, जहाँ पर वो गोल लाइन के अंदर अंदर उसे खेलना होता है, ये है। लेकिन उसके ठीक पीछे गोल गाइड होता है, किसके? गोलकीपर के ठीक पीछे, वो होता है अपोजिशन का। यानी कि मैं अगर ईस्ट से, मैं अगर ईस्ट टू वेस्ट खेल रहा हूँ, मेरी टीम अगर ईस्ट से खेल रही है वेस्ट की तरफ को, तो जो मेरी टीम का गोल गाइड होगा वो वेस्ट के गोलकीपर के पीछे खड़ा होगा, क्योंकि मेरी टीम उधर अटैक कर रही है और वो मार रही है। तो अपोजिट में हमेशा गोलकीपर के पीछे दूसरी टीम का गोल गाइड रहता है, जो कि जब 12 मीटर के अंदर आ जाते हैं तो उसको वो गाइड करता है कि कहाँ है। तो मतलब कैसा काम है, देखिए आपको एक इमेजिन करना है, फिर आपको डिफेंस को बीट कराना है और उसके बाद गोलकीपर को बीट करा के गोल करवाना है एक ब्लाइंड खिलाड़ी से, और ब्लाइंड खिलाड़ी पूरी पावरफुल किक मार के उसे गोल करता है। मैं आपसे इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा। कल मैं दिखाने जा रहा हूँ देहरादून शहर को एक ऐसा ही नज़ारा, ड्रिबल करता हुआ, जगलिंग करता हुआ इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का कैप्टन पंकज राणा, जो कि उत्तरकाशी से है, बिल्कुल पहाड़ों से है, और अभी इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन उसका एक बहुत ही बड़ा एसेट है, और IBFF की जो एकेडमी है कोच्ची में, वहाँ पर ट्रेन हो रहा था इंडियन कोच सुनील जे मैथ्यू, उनके अंडर वहाँ पर था, वहाँ रहा वो, और उसके बाद में यहाँ से उसकी जर्नी शुरू हुई थी NIPBD देहरादून से, यहीं से बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ था। एकेडमी में उसने अपनी जगह बनाई, वहाँ खेला, आज एक एसेट है, और सुनील जे मैथ्यू सर के साथ में वो एकेडमी में रहा, आज बहुत अच्छा कर रहा है। तो कल मैं देहरादून शहर को एक नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, अगर देखना है तो आ जाइए खलंगा वॉर मेमोरियल। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वॉर मेमोरियल, इससे अच्छा और क्या होगा, ऐसी जगह पर आप देखेंगे एक ब्लाइंड फुटबॉलर को जैगलिंग करते हुए, और उनकी जैगलिंग किस तरह से अंतर होते हैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर देखना है तो कल आइए, पहली बार देहरादून शहर में पंकज को कल मैं लेके आ रहा हूँ, शोकेस कर रहा हूँ, तो आइए वहाँ मिलते हैं। अगर देखना है तो आइए, अगर आप कुछ अलग सा देखना चाहते हैं, कुछ अलग सा अनुभव अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कम एंड वॉच हाउ ही प्लेज, हाउ ही कंट्रोल्स द बॉल एंड हाउ ही मूव्स द बॉल, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मिलते हैं कल MTB सालुड के इस फंक्शन में। थैंक यू विजय प्रताप सिंह, जिन्होंने कि हमको ये मौका दिया पहली बार। विजय, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक फॉर सालुड MTV चैलेंज जो है उसके लिए, और गुड लक
All the cyclists, see you tomorrow at Khalanga.